जिस बात का डर था वो हुआ। पलामू अफ्रीका कोरोना के मरीज का संक्रमण का शिकार हो ही गया। 3 नए मामले जो झारखंड में आए हैं वो पलामू से आए हैं। बेहद चौंकाने वाली खबर है पलामू के लिए। पहला शुरुआत में नाम आया था गढ़वा का, लेकिन सिर्फ गढ़वा ही नहीं बल्कि अब कोरोना के चपेट में पलामू भी आ गया। 3 नए मरीज आए हैं। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं। इतना ही याद रखिए कि संक्रमण को यदि रोकना है तो आपको अपने घरों में रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, अपने आप को एहतियात बरतना होगा। थोड़ी सी सरकार की ओर से मिलती छूट और बेवजह का इस्तेमाल कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बढ़ावा देता है उस बात को जो कि बार बार हर जगह चूक के रूप में दिखाई पड़े। लेकिन अभी इन सभी विषयों से इतर सिर्फ इतना ही समझना है कि लेस्लीगंज प्रखंड में 3 अगर मरीज मिले हैं तो वो संख्या पलामू में कहीं और न बढ़े। पलामू कैपिटल न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है, सबसे पहले आपको सूचना दे रहा है कि कोरोना के 3 संक्रमित मरीज पलामू के लेस्लीगंज में पाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम बार बार ये आपसे अपील कर रहे हैं, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, गर्म पानी पीना और बार बार साबुन से हाथ धोना, ये आसान उपाय हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर एक कारगर कदम आप उठाएं। यानी कि अब सतर्क होने का वक्त आ गया है पलामू। जितना भी आप तमाम पलामू जिले वासियों ने अभी तक अपने आप में गर्व महसूस किया है, आप गर्व कर सकते हैं यदि 3 के बाद चौथा मरीज न हो। यानी कि आप अगर संक्रमण को रोकते हैं तो आप कोरोना के खिलाफ अघोषित जंग में आपका सहयोग हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब आपके हाथ में है कि आप सरकार और प्रशासन के हर एक दिशा निर्देश का पालन करें, तभी जाके कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर जो आई है उसमें झारखंड में 3 नए मरीज जुड़े हैं, कुल 66 मरीजों की संख्या हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 पलामू के लेस्लीगंज से हैं, जिसमें पंचायत का नाम हमें जानकारी है लेकिन हम आपको तत्काल नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये पैनिक हो सकता है, अफवाह बन सकता है। लेकिन इन सभी चीजों से बचें और धीरे धीरे अपने आप को सबसे पहले यही कदम उठाएं कि अपने आप को जरूर बचाएं। घरों में रहिए, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज, क्योंकि हम आपको पुख्ता और विश्वसनीय खबर पहुंचाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। अब देखना है कि आप संक्रमण को कितना रोक पाएंगे।